अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधेरी में। बाप को सभी भक्त याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, दुख में सभी याद करते हैं, परंतु वो है कौन और कब आते हैं ये कोई कुछ भी नहीं जानते। कब कृष्ण को समझ लेते हैं, कब हनुमान को समझ लेते हैं, कब गणेश को समझ लेते हैं। भगवान के अनेक रूप दे दिए हैं, तो जानवर मिसल ठहरे ना। जानवरों को भगवान बनाया हुआ है, जानवरों से भी बदतर तो मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए भी एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है बंदर से भी बदतर, क्योंकि पतित तमो प्रधान बने और काम भी कितना तमो प्रधान है। बर्थ कंट्रोल के लिए विलायत में भी रणिया मारते रहते हैं। अखबार में पढ़ा था, एक गया विलायत में, लिखा है वहाँ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में जो रहते हैं, जहाँ जावे वहाँ देखें लड़का और लड़की आपस में बैठे हुए। यूनिवर्सिटी में भी इतना गंद लगा हुआ है। अब विकारों के लिए कितना बुरा हाल है। जब ऐसा हाल होता है तो फिर वृद्धि होना बंद कैसे होगी। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र नहीं बनते हैं, अपवित्र बनने और अपवित्र बनाने के कायदे कानून निकालते रहते हैं, वो सब विनाश को पावेंगे। क्या इशारा दिया? उन लौकिक पढ़ाई में जो को एजुकेशन की शिक्षा चलती है, वो पवित्र बनने के लिए चलती है या अपवित्र बनने के लिए चलती है? अपवित्र बनने के लिए चलती है। तो वो पवित्र दुनिया में पवित्र वाइब्रेशन फैलाने के लिए निमित्त बन रहे हैं या पवित्र दुनिया बनाने के लिए निमित्त बन रहे हैं? अपवित्र दुनिया बनाने के लिए निमित्त बन रहे हैं। वो सब विनाश को पावेंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पावेंगे, क्योंकि तुम खुद भी पवित्र बनते हो और ऐसे कायदे कानून तैयार करते हो कि दूसरे भी पवित्र बने। तुम राजयोग सीख रहे हो ना? स्लोगन्स में भी लिखते हैं बी होली और बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, सिर्फ योगी नहीं, बी राजयोगी। योगी तो कामन अक्षर हो जाता है, राजयोगी माना जिसमें राज भरा हुआ है।